आर आईज एंड फेस आर द इंडेक्स ऑफ आर इमोशंस। यदि हमारी आंखें और चेहरा हमारी प्रसन्नता को झलकाते हैं तो लोग आप ही समझ जाते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है। तो हमारी प्रसन्नता सदैव हमारे चेहरे से दिखाए, हमारी दिव्यता को, हमारी रॉयल्टी को और हमारी पर्सनैलिटी को। यदि अंतकरण से किसी कारण से हमें अंतःकरण, हम तो समझ सकते हैं ना कि हमारे अंतःकरण में क्या है। तो यदि अंतःकरण किसी कारण से हमें काट रहा है तो इससे हमारी आंतरिक खुशी नष्ट हो जाती है। अतः प्रत्येक कार्य को श्रेष्ठ तरीके से करना सीखो। ये एक कला है जो आपको आपके आंतरिक सौंदर्य की प्रशंसा करना सिखाती है। यदि आंतरिक सौंदर्य को नष्ट करने वाला कोई विचार आता है, तो ये हमें पुनर्विचार करने की भी पुनर्विचार करने को भी कहती है। जब हम कोई गलती किया करते थे, तो स्वयं से कठोरता के साथ पेश आते थे, लेकिन प्यार के साथ पेश आना कहीं अधिक प्रभावी होता है। जब गलती करते हैं, कठोरता से पेश आते हैं, उससे भी कई गुना बेटर है कोई गलती करता है हम उसे प्यार से शिक्षा देते हैं तो प्रभावी होता है। स्वयं को डांटना एक भयंकर आदत है, डबल अंडरलाइन। यह सूक्ष्म रूप से हमारे स्वभाव को दुखी बना देती है। व्यर्थ चिंतन करने का धंधा अब बंद करो। इसके बजाय आपको जो प्राप्त हुआ है उसे देखकर प्रसन्न रहो। जो गलतियां हो गई उसे फुल स्टॉप लगा दे। अभी बीती को चीतना नहीं है, नहीं अपना समय वेस्ट करना है, परंतु समर्थ बनाने के लिए जो हमें प्रेजेंट में समझ में आ रहा है कि हमें क्या प्राप्तियां हुई है। प्राप्तियां तो बहुत है, हो सकता है हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं। अंतकरण से अपने आप से पूछे भी, मैंने पाया क्या है, मुझे क्या मिल रहा है। भगवान जैसे मिल गया वो कोई कम बात है क्या? विश्व में राजे महाराजे होंगे परंतु भगवान को नहीं पहचाना। हम भले साधारण है परंतु परमात्मा को प्राप्त किया है। जिससे 21 जन्मों की राजाई मिल रही है उसको प्राप्त किया, और 21 जन्मों का हमने इंश्योर कर लिया है हमारे। इससे बड़ी प्राप्ति क्या होगी? प्रसन्न रहे और प्रसन्नता बांटे, यही हमारा बिजनेस रखे। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 9:45 बजे। ओम शांति।